अतिरिक्त जीटीवी न्यूज। बिजली के ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से लगी भयंकर आग, गली में खड़ी कार जलकर हुई था। गंज में स्थित बांस बल्ली के गोदाम तक पहुंची आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया धारण। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के बाद भी देर से पहुंची दमकल विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी के जगह मौके पर भेजी गई सिर्फ एक छोटी गाड़ी। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने के लिए कर रहे हैं मशक्कत। आग की उठती तेज लपटों को देखकर आसपास इलाके में मची अफरातफरी घंटों से जल रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के अनुमान चौक के पीछे गंज का मामला। पेशे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। भैया मेरा नाम अक्षय गोयल। कैसे आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है, दमकल गाड़ी कब पहुंची? भैया ये करीब 11 बजे लाइट आई थी, लाइट आने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ, ट्रांसफार्मर के कारण बांस खड़े रहते हैं, जिनकी पहले भी मतलब कंप्लेन आ चुकी है, उसके बावजूद भी ये नहीं हटते हैं। फिर वो तार टूटकर ट्रांसफार्मर से वो उन बांसों में गिरा, उसके बाद वो गाड़ी में आग लगी और आग ने उसके बाद भयंकर रूप ले लिया। और यहाँ पर सबको हम लोग फोन करते रहे, दमकल की गाड़ियाँ करीब 1 घंटे बाद पहुँची हैं यहाँ पर। उस वक्त तक मतलब काफ़ी नुकसान हो चुका था और भयंकर रूप आग ने ले ली थी।